बड़ी उम्र करे, माल बाइक करे, बाहर आ जाए। वो केजरीवाल जी के लिए दुआ दे रहे, वो अतिशी गरीब जेल से बाहर आए, वो बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लिए भगवान है। हम तो तहे दिल से दुआ करते, रो रहे हैं हम उनके लिए जो वो अंदर है हमारे लिए। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। बुजुर्ग एक वृक्ष के समान होते हैं। परिवार में अगर बुजुर्ग होते हैं तो संस्कार तो आते ही आते हैं, लेकिन परिवार में संरक्षण भी बना रहता है। लेकिन जब उन बुजुर्गों को कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है तो बुजुर्गों में भी आत्मविश्वास बरकरार रहता है। और ये बातें लगातार दिल्ली सरकार करती है, बुजुर्गों को तमाम सुविधाएं देती है, लेकिन उन सुविधाओं का क्या कुछ फर्क, क्या असर बुजुर्गों के जीवन पर पड़ता है, बुजुर्ग यहाँ पर है, एक एक करके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं पांडव नगर रहता हूँ। पांडव नगर रहते हैं आप। क्या कहेंगे आप जो दिल्ली सरकार की तरफ से बुजुर्गों को सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे बसों में उनके चढ़ने उतरने की व्यवस्था की जाती हो, या फिर बुजुर्गों के पेंशन को लेकर? देखो दिल्ली सरकार तो सब तरह से देती है, हर सुविधा देती है, लेकिन मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूंगा जो सीनियर सिटीजन है, जो चल नहीं सकते, जो चलने में मतलब परेशान है, उनको अस्पतालों में जो लाइन में लगना पड़ता है वो जरा बहुत मुश्किल है। उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक है जगह जगह पर? मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक परमानेंट इलाज नहीं है वहाँ पे। टेम्परेरी मतलब वहाँ पे रिलीफ तो मिलता है, लेकिन यह है कि जो सरकारी अस्पताल है हमारे, वो सरकारी अस्पतालों में भी सुविधा मिलनी चाहिए सीनियर सिटीजन को। जो है पेंशन जो मिल रही है, पेंशन एक बुजुर्ग के लिए कितनी जरूरी होती है? बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि बच्चे कहाँ तक देंगे पैसे? वो तो कहते हैं कि जी हम अपना गुजारा करें कि आपको दें, लेकिन फिर भी करते हैं बच्चे तो, क्योंकि हम उनके बाप हैं, उनके दादा हैं या परदादा हैं या कुछ भी। आपके परिवार वाले आपका साथ दे रहे, लेकिन कई ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जिनका परिवार साथ नहीं देता, उनके लिए पेंशन क्या मायने रखती है? बहुत मायने रखती है उनके लिए, तो उनके लिए तो पेंशन बहुत जरूरी है। खैर हमारे जैसे के लिए तो सही है कि बच्चे करते हैं। कोई मैं बीमार हो गया था, 6 महीने बीमार रहा तो सारे अस्पतालों में लेके गए, वो जितना भी खर्चा हुआ, जैसे भी खर्चा हुआ उन्होंने किया सारा कुछ, कोई कमी नहीं छोड़ते। वो कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनका अगर कहा जाता है ना कि जो जिनको वो जन्म देते हैं वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर ही निर्भर होते हैं। मैम नाम क्या है आपका? सुरेंद्र कौर। कहाँ रहते हैं आप? लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर। पेंशन कितनी जरूरी होती है? बहुत जरूरी है। देखो और कोई सहारा नहीं, पेंशन तो बगैर हमारे हस्बैंड नहीं, पेंशन तो गुजारा होंगे। आजकल सब्जी देख लो कितनी महंगी, सब्जी तो खानी पड़ेगी, 60 रुपए प्याज आ, 40 रुपए किलो आलू आ, तो सब्जी भी लेनी पैंदी है। बीमार हो जाओ तो बीमार दवाई बहुत जरूरी है। तो केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया, जो आप 5 महीने की पेंशन रुकी हुई मुड़ के दोबारा चालू करिए, हम बहुत खुश हैं। और हम दुआएं देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं, दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उसको जल्द तो जल्द बाहर आए और गरीबों की मदद करें। बहुत अच्छे आदमी अरविंद केजरीवाल, खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली का भाई कहते हैं, श्रवण कुमार कहते हैं, क्या लगता है क्या वाकई में है वो रब का रूप? हम तो उसको बात कह रहे, रब का रूप की बात कर, रब का रूप है, वो सबका देता, एक बंदे इंसान का नहीं देता, वो सबका देता, नीच ऊंच कुछ नहीं उसके दिल में, वो सबके लिए बराबर है। हम तो दुआएं देते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी बाहर गए। सरकारें बहुत तंग करती है, सरकारें काम नहीं कर रहे, बदनाम करती है सरकारें, बहुत हराम खोर ये गुंडी सरकार है। एक तरफ तो आप केजरीवाल को रब का रूप कह रही हो, दूसरी तरफ आप दूसरी सरकार को गुंडी की सरकार, गुंडा सरकार, गुंडा काम नहीं कर रहे थे, हम तो कहेंगे गुंडा सरकार जो काम नहीं कर रहे देती, कोई झूठे इल्जाम लगा उनको अंदर करा। तो हम तो दिल से दुआ करते हैं जल्द तो जल्द आए, हमारी दुआएं भी है उनके साथ, दुआएं भी सबकी दुआएं उनके साथ है, परमात्मा उनको जल्द से जल्द बाहर लेके, इंसाफ इंसाफ होगा, एक दिन बिल्कुल सच का सच होगा, पानी सच का सच आएगा। केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की पेंशन दे रहे हैं, क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंदर ऑन करके भी काम कर रहे हैं, बाहर आएंगे तो बहुत काम करेंगे। हॉस्पिटल जाके देख लो, हमारे लिए उन्होंने बसे से लाई है, बहुत सहूलतें दी है, मोहल्ला के लिए इनके बनाई, हम तो दिल से तय
दिल से दुआ करते हैं उनको, हमारी भी उनको आज हमारी भी लगे उनको, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं परमात्मा, हंसता रब का रूप ही उसको उनको समझेंगे परमात्मा है। जब आपने रब का रूप और परमात्मा का दर्जा दे दिया है, फिर तो सारी बात खत्म हो गई। बस बस बिल्कुल रब का रूप है, रब सबका देखता है ना, एक इंसान का नहीं देखता, सबके देखते हैं, तो रब का ही रूप है। पेंशन मिलने से हाथ में 2,500 रुपए जब आते हैं पेंशन के, तो आत्मविश्वास कितना बढ़ता है? बहुत बढ़ता, बहुत बढ़ता। देखो हमने सारा काम पेंशन से, सारा जो रूटीन बनाया उसने बनाया, सब्जी का, दवाइयां का, हम कंटिन्यू दवाई खाते हैं, तो दवाई तो बगैर हम रह नहीं सकते, बीपी की दवाई हुई और दवाइयां लगी जो कंटिन्यू, दवाइयां तो मुफ्त मिलती है मोहल्ला क्लिनिक, कुछ मिलती है कुछ नहीं भी मिलती है, कुछ खानी भी पड़ती है, कोई ऐसे टेस्ट कराने भी बनते हैं, तो इस करके पेंशन बहुत जरूरी है। चलिए तो देखिए, पेंशन जरूरी है क्योंकि कहा जाता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बुजुर्गों ने भगवान का दर्जा दे दिया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सर नाम क्या है आपका? मेरा वीरेंद्र सरबा। कहाँ रहते हैं सर आप? हम रोहिणी से आए हैं जी, गोयल साहब के एरिया से। पेंशन के लेके क्या कहेंगे आप, कितनी जरूरी है पेंशन? पेंशन बहुत जरूरी है मैडम, कई लोगों का तो गुजारा ही पेंशन से है। हाँ। जिनके बच्चे नहीं रखते उनका गुजारा पेंशन से है। अरे 5 महीने रोक लिए, उनके घर में चूल्हा भी अच्छी तरह नहीं जला। हाँ। और पेंशन मिली है तो दिवाली आई है उनके घर। अरे जिनको 10 रुपए की भी कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं और उनको 1,000 रुपए आते हैं, इकट्ठा पैसा आएगा, तो ये दिवाली है और क्या होगा मैडम। कितनी मतलब आत्मविश्वास कितना आता है, भरोसा कितना होता है खुद की, मतलब जीने की जो एक लालसा है वो कितनी बढ़ जाती है? वो लालसा ऐसे होती है जवानी फिर शुरू हो रही है, पैसा आते ही है। हाँ जी, कह रहे जवानी शुरू कर दिया आपने पेंशन से। हाँ जी सर, केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो बाहर नहीं है अंदर है, फिर भी आप लोगों के लिए काम करें। देखो केजरीवाल जी हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं बुजुर्गों की, जेल में रहते हुए वो उनको कितनी तकलीफ है हम भी समझ सकते हैं, फिर भी वो अपनी तकलीफ को नहीं देख रहे। उन्होंने आरटीसी जी को बार बार कहा है उन बुजुर्गों की पेंशन का क्या हुआ, जल्दी करो, और आरटीसी जी मैडम ने ये जल्दी से ये काम किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं, केजरीवाल जी के लिए दुआ दे रहे, वो अतिशीघ्र जेल से बाहर आए। बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की दुआएं होंगी तो बड़े से बड़ी जो दिक्कत परेशानी है वो भी निकलेगी। चलिए और भी लोग यहाँ पे इनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? हाँ जी रंजीत कौर। रंजीत कौर नाम है आपका, क्या कहेंगे आप, जो पेंशन मिल रही है, जो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिल रहा है, जो बसों में सुविधाएं मिल रही हैं उसे लेके? हाँ जी बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री जाना आना बहुत अच्छा लगता है, और दवाई वगैरह भी लेके आते हैं फ्री मिलती है, और इकट्ठी उन्होंने पेंशन दे दिया, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कितनी जरूरी है ये पेंशन? ये बहुत जरूरी है, काफी कमी रही है तो अब मिल गए हैं, तो उसके दवाई वगैरह सब चलती है उन्हीं की वजह से, बड़ी उम्र करे भाई करे बाहर आ जाए वो तो। पेंशन नहीं मिलती थी तो कितनी दिक्कत परेशानी? पेंशन जब तक नहीं मिली तो काफी दिक्कत रही है। अब बच्चे भी खुश हैं, बच्चों को भी थोड़ा बहुत देती हूँ, पोते पोतियों को देती हूँ, उनको भी मन में बड़ा उल्लास और खुश हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप पेंशन जो मिल रही हो केजरीवाल के लिए? हाँ जी उनसे मिले बहुत सारा, उनसे पानी का, बिजली का, बसों में जाना, वो बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लिए भगवान है। भगवान है, बड़ी बात कह रही है आप, भगवान का दर्जा दे रही है। भगवान है हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम उन्हीं के उधर ही रहते हैं, केजरीवाल जाते हैं सिविल लाइन में हम रहते हैं। अच्छा। हमारे को तो बहुत सारा उनसे इतनी दुआएं। हाँ जी हाँ जी, दुआ तहे दिल से हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी बाहर आए, तहे दिल से दुआ करते हैं। क्यों 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 आप हंस रही हैं या रो रही हैं? नहीं नहीं हम तो तहे दिल से दुआ करते हैं, रो रहे हैं हम उनके लिए जो वो अंदर है, हमारे लिए हमें बहुत दुख है, जो उनके संग षड्यंत्र रचा गया है वो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हम चाहते हैं जल्दी। आपकी आंखें क्यों नम हो रही हैं? आप बोल रही हैं, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आपकी आंखें नम हो रही हैं, क्यों ऐसा? इसलिए ना कि हमारे अपने जेल के अंदर है और हम लोग उनकी इंतजार करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए दुआई मांगते हैं, भगवान जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर लाए, हम ऐसे दुआ करते हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, सालों साल नेता बन के रहे हमारे। पेंशन कितनी जरूरी है आप लोगों की? पेंशन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जी, देखिए जब पति नहीं होता तो बच्चों के सिर पे हमें बोझ बनना पड़ता है, अगर ये हमें थोड़ी बहुत सहारा देते हैं तो हम बच्चों का भी सहारा बन जाते हैं, बच्चों की भी मदद कर सकते हैं थोड़ी सी,
बच्चे हमारी मदद करते हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा मदद करते हैं। बच्चे हमारे कब तक हमारा बोझ उठाएंगे, उनके भी अपने बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना उनको। ये बच्चा, ये भाई बच्चा, ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई है, ये हमारी मदद करते हैं। पेंशन अपनी जगह लेकिन ये बाहर आ जाए जरूरी है हमारे लिए, ये भी जरूरी है। ये पेंशन तो आती रहे, नहीं भी आए गुजारा हो जाएगा, मगर ये बाहर आ जाए हमारे लिए। बाहर आ जाएंगे केजरीवाल के लिए हम अपने। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, भाई हमारा जिंदाबाद, भाई हमारा जिंदाबाद। तो देखिए, कहा जाता है कि जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम करती है, और जब दुआ ऐसे न जाने कितने बुजुर्गों की मिले जिनकी गिनती नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल पर तो इनकी दुआओं का असर होना अब निश्चित हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो रब वर्गा है। तमाम तरीके की उपमा अरविंद केजरीवाल को दी जा रही, और दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो पैसे हैं वो अपने लगते हैं, अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने लगते हैं। और शायद इसीलिए जब भी मंच से संबोधन अरविंद केजरीवाल करते हैं तो खुद को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल, दिल्ली का श्रवण कुमार कहते हैं। लेकिन देखना होगा कि इन बुजुर्गों की दुआएं कितनी अरविंद केजरीवाल को लगती हैं, और अरविंद केजरीवाल कब बाहर आते हैं और अंदर हों या बाहर, दिल्ली की जनता और दिल्ली के बुजुर्गों के लिए काम करने में कितने कामयाब होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।